हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे। तो भाई आज एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, प्रैंक कॉल स्पेशल। सारी बाइक यहीं चला ले, घर में नहीं बैठना, शोर करना मना है, पता नहीं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे। तो उम्मीद है आपको मेरी पिछली रैंडम कॉल्स जो हमने लोगों को की थी और तंग किया था, प्रैंक किया था, वो आपको अच्छी लगी होंगी। तो एक और मैं आपके लिए एपिसोड लेकर आया हूँ जिसमें हमने आपके फेवरेट टिकटॉकर्स को कॉल किए। हिंट दूंगा कि पहला पाकिस्तानी लड़का है जिसकी एक वीडियो पर 1 मिलियन लाइक आए थे। यस, यू आर राइट, हसन आबिद। और इसके साथ और ऐसे मशहूर टिकटॉकर्स जिनको मैंने किए हैं एहसन के साथ मिलकर प्रैंक कॉल्स। तो जाइए और देखिए और फिर बताइए कैसी लगी आपको प्रैंक कॉल्स, और कमेंट कीजिएगा कि आप किसको चाहते हैं हम कॉल करें। आपकी रिक्वेस्ट का हम वेट करें। Be so beautiful, now look at me. Y no te voy a negar. वालेकुम अस्सलाम, हसन आबिद साहब बात कर रहे हैं। हसन आबिद साहब, मैं गुलाम मुर्तजा बात कर रहा हूँ bravo.pk से। कैसे हैं आप? सॉरी टू कॉल यू एट दिस मोमेंट सर। सर मैं, हमारी मार्केटिंग एजेंसी अभी एट द मोमेंट रैंडम टाइम आवर्स पे काम कर रही है क्योंकि कोरोना का यू नो ड्रॉबैक चल रहा है। तो मेरे पास सर आपके लिए एक पीआर पैकेज था विच इज अ पेड प्रमोशन फॉर यू, और आपके टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हैं एट द मोमेंट कितने फॉलोअर्स हैं? टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे रिलेटिवली आपके कितने फॉलोअर्स हैं अभी आज के दिन तक? मेरी टिकटॉक पे है 6 लाख। ओके, एंड इंस्टाग्राम पे? और इंस्टाग्राम पे 50,000, राइट? आप ये बता सकते हैं कि अगर हम आपको क्लोथिंग ब्रांड के लिए अप्रोच करें तो आप क्लोथिंग ब्रांड के क्या चार्ज करेंगे? अगर इंस्टाग्राम का हो पोस्ट, फोटो पोस्ट होगा, और टिकटॉक पे क्योंकि आप माशाल्लाह से ट्रांजिशंस में जाने जाते हैं तो हमें लगा कि हम आपको वैरायटी ऑफ क्लोथ्स भेज दें क्योंकि आपके पास जो है वो, क्योंकि आपने सेम क्लोथ्स बहुत वीडियोज में आपके हो गए तो हम चाह रहे थे कि आप उसकी ब्रांडिंग कर दें। तो आप कितने चार्ज करते हैं? सर हमारा बजट तो हम आपको बताएंगे तो बहुत नॉमिनल सा है, बट वी आर अ मल्टीनेशनल ब्रांड, हम आपको एक ए क्लास ब्रांड के साथ ही मर्ज करेंगे। लाइक आपने आउटफिटर्स का नाम सुना होगा, ब्रेकआउट का नाम सुना होगा, तो ये है कि ये ब्रांड आपको अच्छा एक्सपोजर दे देंगे, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग भी कर देंगे, और टिकटॉक तो आपका माशाल्लाह खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग है। सो हमारा बजट जो है सर वीडियो के लिए वी कैन गिव यू 15,000, ठीक है? एंड फोटो पोस्ट आपको करनी होगी, उसके साथ चार स्टोरीज लगानी होंगी, और अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो लगा देंगे तो अगर आप फेवर कर देंगे तो दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो आपका टोटल जो है हम आपको 20-25,000 पे कर सकते हैं। अब आप बता दें आप क्या चार्ज करेंगे? 30,000। अच्छा देखिए, मैं 30,000 आपको कोट करके कंफर्म तो नहीं कर सकता, मैं अपनी मार्केटिंग टीम से और सीनियर से बात कर लूंगा, ठीक है? और मैं आपको आई गेट बैक टू यू, बट मुझे आप ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि अकाउंट आपके अपने नाम पे है या आप किसी फैमिली में अकाउंट यूज करते हैं? यू आर 18 प्लस? मेरे मेरे नेम पे नहीं है, फैमिली फैमिली के नेम पे। अच्छा, यू आर नॉट 18 प्लस एट द मोमेंट? आई एम 19 अलहम्दुलिल्लाह। अच्छा, यू आर 19, ओके ग्रेट। अच्छा तो आप बेसिकली जो सीन ये है ना सर, आप देखें, आपने जॉकी का नाम सुना? जी जी। अब जॉकी एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, एंड इफ यू वांट टू अर्न मोर, ठीक है, वी हैव फ्यू टिकटॉकर्स अलाइंड अप विद अस फ्रॉम कराची एंड इस्लामाबाद, ठीक है? जॉकी का जो बजट है वो है, क्योंकि आपके 6 लाख फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, सो दैट इज द रीजन यू आर एलिजिबल। 4 लाख से ऊपर जिनके फॉलोअर्स हमने उनको अप्रोच करा है, जैसे हैं और ठीक है, और कराची में जो हैं 2-3 इंस्टाग्रामर्स हैं, मेरे पास लिस्ट नहीं है अभी। तो ये है कि आपको करना ही होगा, आपने जॉकी का ब्रांड का नाम सुना है और आपने देखा कि बहुत ए क्लास ब्रांड है, उसका बजट जो है वो दैट विल गिव यू अराउंड 1 लाख रुपीज, बट ये है कि उनके 3 पोस्ट्स हैं इंस्टाग्राम पे और उनकी 2 वीडियोज हैं टिकटॉक पे, बट ये है कि 1 लाख रुपए गारंटी है आपको, बट सिर्फ आपको ट्रांजिशन जैसे आप करते हैं ना वो आपको अंडरवेयर में करनी होगी। कम्युनिटी गाइडलाइन आपकी खराब नहीं होगी, ठीक है, टिकटॉक से, क्योंकि वो न्यूडिटी पे होती है, न्यूडिटी पे होती है, आप न्यूडिटी नहीं कर रहे, आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है? थाइस से ऊपर हाफ वेस्ट अंडरवेयर होती है, और जॉकी के वो शोल्डर वेस्ट होते हैं जो आप बनियान जिसको बोलते हैं, सही है? और वो खुद ही उसकी प्राइस जो है वो 10-11,000 रुपीज़ अ पेयर होती है, ठीक है? तो रिलेटिवली यू आर अर्निंग वेरी मच, और हमें जो है वीडियो के आपकी बॉडी सैंपल्स चाहिए होंगे,
मतलब आपकी बॉडी के सिक्स, डू यू हैव सिक्स पैक एब्स, आपकी स्किन मोटी तो नहीं है, टोन्ड बॉडी है, तो हमें ये चाहिए होगा आपसे. तो आप मेरा ईमेल एड्रेस लिखिए अगर आपके पास पेन एंड पीस ऑफ पेपर है तो. आपके पास पेन और पीस ऑफ पेपर है कि मैं आपको ईमेल एड्रेस लिखवा सकूं, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिखा सकूं? लाख रुपए में तो चड्डी उतारने को तैयार है भाई, बता दो उसको. चुप चुप. हेलो जी, जी बोले सर. मेरा गुलाब मुर्तजा मेरा नेम है और मेरा ईमेल एड्रेस है जी डॉट. क्या क्या तुम्हारी बेटी? जी एज इन जीनियस. जी जी डॉट मुर्तजा. डॉट मुर्तजा एट द रेट ब्रावो डॉट कॉम डॉट पीके. यस, ये हमारी पीआर एजेंसी का नाम है. वी आर, वी हैव आवर हेड ऑफिस इन कराची एंड वी हैव टू ब्रांचेस, वन इन लाहौर एंड वन इन इस्लामाबाद. आप किस सिटी से हैं? आप फैसलाबाद से? ठीक है. सो अच्छा, जो पेमेंट प्रोसीजर होगा सर वो ये होगा कि आप एज सून वी विल पोस्ट द वीडियोस, ठीक है, उसके बाद आपकी इनवॉइस जो है बनेगी और 90 to 120 वर्किंग डेज में आपको आपकी पेमेंट पूरी ट्रांसफर हो जाएगी. 20% आपको एडवांस दिया जाएगा. और इसके अलावा आपने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है. मैं बोल दूं? शुरू हो जाऊं? कॉन्टैक्ट लिख लें. बट हसन भाई मैं आपसे ये कहूंगा, लाख रुपए के रे चड्डियां बदल रहे हो यार, कोई इंसान के बच्चे बनो यार. मतलब व्हाट द हेल इज दिस बिहेवियर मैन. पीली नीली हरी पीली सब चड्डियां भेजूंगा मैं तुम्हारे को, और छेद वाली चड्डी भी भेजूंगा. है सारे लाइक तुमने ले लिए, हम यहाँ पे क्या चने बेचना है? हमारी उसको बता दे, सब तुझे ही देखे हैं. सर आई लव यू, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं. मैं कराची से आरिफ खालिद बात कर रहा हूँ, मेरे साथ एमजे हसन है और हम आपके साथ प्रैंक कॉल कर रहे थे. यू आर बीन प्रैंक्ड एंड हमारे को 2000 लोग लाइव देख रहे हैं जिसमें आपका पोपट हो चुका है. अपने फैंस को हेलो बोल दें. वालेकुम अस्सलाम. देखो देखो ये खिताब नहीं करना है, प्यार से बोलो ना, जैसे बेबीज आती होंगी. आप हसन है ना, तो आप बोल दोगे या आई एम हसन. भाई हम लोग बहुत पुराने अच्छे दोस्त हैं, आप फेमस लोग हैं, हम थोड़े कम फेमस लोग हैं. जी सही हो गया. तो भाई देखो मैं तुम्हें एक गारंटी दे रहा हूँ, जो एहसन भी देगा हम काम आएगा तो हम आज ही तुम्हें देंगे. मेरा नाम लारेब है, ये एहसन है, ये लॉरी है, बगैरत भी है. सो ब्रो अपना काम ऐसे ही कंटिन्यू. मतलब एक चीज का सवाल पूछना था, मेरी क्यूरियोसिटी थी तुमसे बहुत पूछनी थी. मेरे 3 कबर्ड हैं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, पर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कपड़े कैसे हैं? अबे इतने कपड़े कौन फेंकता है? अम्मा जूते नहीं मारती? अम्मा जूते नहीं मारती नहीं, मम्मा मतलब बोलती नहीं है बेटा क्या, क्योंकि देखो अब तुम शर्ट बदलते हो. मैं देखो मुझे सीरियस जवाब देना, तुम ट्रांजिशनर हो, तुम ये गम समझ सकते हो लोगों का. अब आपने शर्ट चेंज करी, गर्मी हो रही है, आपने दूसरी शर्ट पहनी उस पर पसीना लग गया, तीसरी शर्ट पहनी उस पर पसीना लग गया, चौथी शर्ट पहनी उस पर पसीना लग गया. अब परफ्यूम की खुशबू एक हद तक होती है, उसके बाद जो बदबू होती है, फिर अम्मा बोलती है तुम्हारे बाप की नौकर हूँ मैं. नहीं वो सिस्टम ये होता है, शर्ट निकालो, एक जगह रखो, चेंज करते रहो, उसके बाद साड़ी उठाओ, गोल गोल बनाओ, वापस अंदर. चलो भाई गुड डे यार. वैसे हाँ जी, ओ मेरा सूट पटियाला कितनों को मार डाला, हाँ पंजाब दी में कोड़ी सरदारनी, जुत्ती मेरी है कि कम सारी कट दिए वैम तेरे तो. लाइव में अगर चुप चुप. अस्सलाम वालेकुम, रूज फातिमा जी बात कर रही हैं? हाँ जी, रूज फातिमा बात कर रही हूँ. मैं गुलाम मुर्तजा बात कर रहा हूँ कराची से. आप म्यूजिकली टिकटॉक और इंस्टाग्रामर राइट? जी. अच्छा मैम, हमें आपका नंबर जो है रेफरेंस पे दिया गया था कि आप पेड प्रमोशंस करती हैं. क्या आप करती हैं पेड प्रमोशंस? हाँ जी. अच्छा एट द मोमेंट आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे? एक मिनट मुझे, टिकटॉक पे फॉलोअर्स पूरी जिंदगी रुक जाओ मैं तो तेरे लिए. जल्दी 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 करें. एंड इंस्टाग्राम पे? Instagram पे मेरे हैं 58,000. आप किस तरह की कैंपेन्स करने में इंटरेस्टेड हैं? लाइक वी हैव क्लोथिंग ब्रांड्स, वी हैव
ब्यूटी प्रोडक्ट्स एज वेल, इसके अलावा हेयर ट्रीटमेंट वगैरह सैलून्स के भी होते हैं हमारे पास प्रमोशन. बट अभी जो है क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन चल रहे हैं तो सैलून्स वाली हैं, बट वो फिर वो फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए होंगी. लाइक इन अप्रैल सैलून्स वाली सिर्फ फ्री सर्विस वाली मैं नहीं करती, जो फ्री सर्विस होती है. नहीं वो पेड होगी, लाइक केराटिन ट्रीटमेंट्स होती हैं, कलर्स होते हैं, हेयर कट्स होते हैं. तो ये क्या आपने उनके सैलून की लाइक आपने एज अ ब्लॉगर जाने और उनके सैलून को थोड़ा प्रमोट करना एंड दे विल पे यू एज वेल. बिसाइड्स दैट हमारे पास जो है वो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं, ज्वेलरी आइटम्स होते हैं जिसमें गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज होती हैं, आर्टिफिशियल भी होती हैं. आप एक पोस्ट लगाने के अगर इंस्टाग्राम पे कितने चार्ज करती हैं, और अगर आपको टिकटॉक वीडियो बनानी हो 15 सेकंड्स की तो आप उसका कितना चार्ज करती हैं मैम? डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी जो स्टोरी होती है स्टोरी के चार्जेस नहीं होते. स्टोरी सिर्फ ये होता है कि आपकी 24 आवर्स की स्टोरी होती है, वो तो फेवर में ही लगा देते हैं सारे टिकटॉकर्स और एग्जैक्टली स्टोरी की. लेकिन जो पोस्ट होता है उसका डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड कौन सा है और चीज कौन सी है, कितने की है, वो चीज सब कुछ उस पर डिपेंड करता है. एक स्पेसिफिक रेट नहीं होता पोस्ट का. और एग्जैक्टली सेम ऐसे ही अगर जो इंस्टाग्राम और जो टिकटॉक की वीडियो होती है वो भी डिपेंड करती है कि ब्रांड कौन सा है और किस तरह की प्रमोशन करवानी है नीचे एवरीथिंग. अच्छा देखिए मैम, अभी जो है ना हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स अलाइन हैं. अच्छा क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों को घर पे ही प्रमोशंस के लिए चीजें भिजवा रहे हैं, ठीक है. अच्छा अब कुछ चीज ऐसी जैसे वी हैव एंड अदर मल्टीनेशनल कंपनीज विद अस, तो वो जैसे उनके जो होम प्रोडक्ट्स होते हैं अब वो हम आपको भेजेंगे. अब समटाइम्स ये होता है कि सब कुछ टिकटॉकर्स डील करते हैं कि आप हमें प्रोडक्ट ही दे दें और हम उसकी कॉस्ट ना लें, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट हम आपको भेजते हैं वही एटलीस्ट 30-35,000 का होता है. फॉर इंस्टेंस अगर हम आपको अभी क्योंकि घर पे हैं आप, तो अभी एक न्यू वॉशिंग मशीन लॉन्च की है, ठीक है, और उसकी जो है कॉस्ट ही सिर्फ जो है वो 48,000 की है. तो इफ अगर हम आपको वो भेजते हैं तो क्या आप कॉस्ट लेंगी प्रमोशन करने के, या आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा? क्योंकि इफ आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए होगा तो प्रोडक्ट हम आपकी प्रमोशन के बाद आपसे वापस ले लेंगे और आपकी पेमेंट आपको. चले वो तो फिर टॉक विद फैमिली कि उनको फर्क चाहिए कहीं से वॉशिंग मशीन का, हमारा कोई लेना देना तो होता नहीं वैसे. तो डिपेंड करता है, अफकोर्स अगेन वो डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि कोई क्लोथ है अगर वो आपको सेंड करने हैं, अगर क्लोथ चाहिए तो विदाउट कॉस्ट होते हैं अफकोर्स, हम उसके चार्ज नहीं करते. अगर तो उसकी प्रमोशन करवानी है उसका भी अफकोर्स. अच्छा देखिए अब क्लोथिंग ब्रांड्स हैं और है. अगर हम आपको 2-3 सूट्स भेजते हैं जिसमें एक वेस्टर्न भेज दें, एक आपको ईस्टर्न वेयर भेज दें और आप उसकी फोटोज लगा दें, ठीक है, और उसमें आप जो है वो वीडियो शूट भी कर दें, इंस्टाग्राम पे दो पोस्ट चाहिए होंगी स्टोरीज तो आप वैसे ही मेंशन करेंगी, एंड बिसाइड्स दैट आप अगर टिकटॉक वीडियोस बना देंगी तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर अस. तो इसका क्या चार्ज है? मैं आपको बताती हूं. हमारे मतलब आपको मत सिखा चल. जो होते हैं ना हमारे, जैसे आप बता रहे हैं कि वॉशिंग मशीन एंड जो एक्सपेंसिव चीजें होती है, ठीक है, उसका उसका उसकी प्रमोशन नहीं होती, क्योंकि वैसे मैंने पहले उसकी प्रमोशन की भी नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो कि उसकी प्रमोशन की पेमेंट होती है जो एक्सपेंसिव चीजें होती है, कोई एसी होता है या कोई इस तरह की चीजें होती है. लेकिन अगर आपकी क्लोथ होते हैं तो क्लोथ के साथ उसकी पेमेंट भी होती है साथ में. जी जी बिल्कुल होगी वो, बिल्कुल देखें प्रोडक्ट्स के साथ भी है. अच्छा एंड बिसाइड्स दैट आप आई गेस आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, राइट? जी. आपकी रीच अच्छी है. अब देखें अब मार्च अप्रैल के मिड तक आई गेस मार्केट्स खुल जाएंगी एंड लाहौर में हमारे पास कुछ सैलून्स अलाइंड हैं एंड इसके अलावा कराची का सुना होगा आपने जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उनकी प्रमोशंस कर सकती हैं, दे पे गुड एज वेल. सही है. अच्छा चले अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि हम आपको जो है वो क्लोथिंग ब्रांड के लिए अलाइन कर लेते हैं, ठीक है जी. एंड अच्छा आप अगर सर्विसेज लेती हैं सैलून की, आप मेरे आपके पास पेन एंड पीस ऑफ पेपर है तो आप मेरी डिटेल्स लिख लें ताकि आपको पता हो कि आपसे किससे कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि आपको ई मेल एड्रेस भी चाहिए होगी हमें. मेरी बात सुन, अब मैं इसकी तफरी लेना शुरू करूँ तो मैं किसका नाम लू, तेरा लू या मिनाइल का लू? मिनाइल और सैलून कौन कौन से? सैलून जो है वो टोनियन गाय अभी लाहौर वाले ब्रांच है, तो आप अगर लाहौर में ही और आपके लिए वही कन्वीनियंट है तो मैं उसमें आपकी बात कर सकता हूँ. बट ये है कि उनका क्राइटेरिया ये कि आपको बॉयकट कराना पड़ेगा. आई डोंट नो व्हाट इज द हेयर लेंथ ऑफ योर्स, बट ये कि उन्होंने बॉयकट बोला है और
कलर हेयर डाई करने को बोला लाइक ग्रे हैश ग्रे तो वो भी मेरे पास डिस्क्रिप्शन में है अब इफ यू आर रेडी विद इट एंड दे आर पेइंग 40,000 फॉर प्रमोशन एज वेल एक्चुअली नॉट आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद माय हेयर ऑफ कोर्स आप कितना चार्ज करेंगे मैम अगर मैं आपको दो सूट्स भिजवा दूं तो आप मुझे बताएं कितना चार्ज करेंगे अच्छा वो आप मुझे बताएं कि किस ब्रांड का सूट है देखिए अभी स्पेसिफिक ब्रांड्स नहीं मैं आपको नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से ब्रांड है आउटफिटर्स है ब्रेकआउट स्प्लैश and ethnic so we have more brands with us so agar aap aur bhi brands abhi ye hai ki align hamare sath ye brand hai aur sari brands aapko pata hai renowned hai aur inke apna bahut bada naam hai and you'll get a good exposure as well yeah acha aur clothing brands aur beauty products kaun se ji beauty products jo hai wo kits hoti hain but at the moment abhi availability nahi hai unki मुझे हम साइनिंग करते हैं ईमेल पे आपकी पूरी ऑथेंटिसिटी होती है ताकि आपका भी हमारा ट्रस्ट बंधा रहे ठीक है तो एक बेस अमाउंट आप मुझे बता देना कि 20,000, 25,000, 10,000, 5,000 क्योंकि लाइकी पे ऑल द टाइम इट्स बॉट्स वहाँ की हम Okay, no worries. I'm just telling you के वहाँ पे क्योंकि मैं ज़्यादा अपनी प्रमोशन कर रही हूँ ज़्यादा करती हूँ business business it's okay तो पोस्ट के और जो है उसकी वीडियो के ऑफ कोर्स वीडियो मैं बना लूँगी तो वो अगर आप एक मुझे ड्रेस सेंड करते तो उसका इसके लिए चार्जेस होता है ठीक है अब देखें बात तो कुछ ऐसी है कि मैं आपको प्रमोशंस तो दे दूंगा पर उसके लिए पहले आपको तो ये करना है मोहतरमा के लेंसेज नहीं लगाने अपने वीडियो में क्योंकि लेंसेज लगाती हैं आप वैसे इतनी खूबसूरत हैं वो खराब लगता है सब कुछ सही है और इतना हम आपको इतनी सारी चीजें दे रहे हैं ऊपर से हमें बिजनेस सिखा रही हो मतलब दिस इज नॉट द वे टू बिहेव अरुज अब आप पहचानो मैं कौन कौन मुझे आपकी दोस्त ने नंबर दिया था तंग करने के लिए और मैं बात कर रहा हूँ लारे खालिद आपका नंबर दिया था मिनाहिल ने और आपके साथ प्रैंक किया गया है इंस्टाग्राम पे मैं और एमजे एजम साथ बैठे हुए अभी और अपने फैंस को हेलो बोल रहे हैं एंड आई हेट यू मिनाहिल और मैं जानती थी क्योंकि मैं देख रही थी वीडियो नहीं नहीं देखें आप बैठे ये नहीं होता अच्छा कहाँ से देख रही एमी आपका फोन देख रही थी वीडियो नहीं लो नहीं मुझे देख रही थी मुझे बनाने में पहले बता दिया था मुझे बनाने में पहले दे रहे मुझे बनाने में पहले बता दिया था मुझे बनाने में पहले बता दिया था कि तुम्हें कॉल आने वाली है नहीं नहीं चीटिंग है तो सारे पैसे चाहिए हैं बॉयकट करवा रहा था ना मैं टोनियन गाय से नहीं चाहिए था तुम्हें चलो भाई आपको बेस्ट ऑफ लक विद योर फ्यूचर आपके इतने सारे फैंस है माशाल्लाह से जस्ट बनता है आपका विश यू ऑल द एंड वन थिंग मोर मैं 20,000 से 1 रुपया भी कम नहीं चार्ज करूंगी ओके ठीक है हम 20,000 नहीं 20,000 रुपए 100 के नोटों में भिजवा रहा हूं मैं आपको ठीक है और आप मुझे तेरे साए में मिली हर खुशी तेरी मर्जी मेरी जिंदगी ले चल तू चाहे जहां
वालेकुम अस्सलाम, हफ्सा मैम बात कर रही हैं? जी हफ्सा मैम, मैं पीआर एजेंसी से बात कर रहा हूँ। जी बोले। सॉरी टू कॉल यू एट दिस टाइम। मुझे आपसे बस ये बात पूछनी थी कि आप पेड प्रमोशंस करती हैं, राइट? जी। हमें आपका रेफरेंस मिला है, ठीक है, और हमारे पास एक कैंपेन है, बेसिकली दो कैंपेन्स हैं, बट अभी ड्यू टू कोरोना थिंग अभी एक कैंपेन है अवेलेबल। और आप कितना चार्ज करती हैं अगर वीडियो पोस्ट होती है और अगर इंस्टा पे फोटो होती है तो कितने आप चार्ज करती हैं मैम? आपकी कैंपेन क्या चीज की है? देखें, क्लोथिंग वेयर की भी है हमारे पास, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, आपको जो चीज आप बताएं कि आप किस ब्रांड के साथ काम करना है, बट अभी मुझे ये बता दें कि आप चार्ज कितना करती हैं ताकि फिर उसी हिसाब से मैं आपको उनकी ब्रांड सुपरवाइज कर सकूं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूं। देखिए मैम, असल में अभी हम लाइन अप कर रहे हैं, ठीक है, टिकटॉकर्स को और इंस्टाग्रामर्स को ना, और हमारे आप मुझे अपना प्लीज काइंडली बजट कोड कर दें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके टिकटॉक पे एज ऑफ नाउ कितने फॉलोअर्स हैं? आई थिंक 1.1 मिलियन है या 1.2 मिलियन हो गए। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं? इंस्टाग्राम में 270 के अबव है। Like near to 3 lakhs, right? हाँ, अच्छा, देखें हमारे पास अभी की कैंपेन है, सही है, और अभी कराची में आई गेस पूरा लॉकडाउन भी चल रहा है, बट ये है कि हम आपको प्रोडक्ट्स घर पे भेज देंगे एंड प्रोडक्ट की जो वर्थ है वो एटलीस्ट 15,000 रुपीज है, ठीक है, जिसमें पैंटीन की नई वेराइटीज हैं, और इसके अलावा आपको हम 1,000 पे करेंगे, सही है, जिसमें हमारा जो हमारा बजट अभी है जिसमें आपको एक टिकटॉक वीडियो बनानी होगी और आपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करनी होगी और दो स्टोरीज। बेटा मन में लड्डू फूटा, पैसे पूछेगी, पैसे मिलियन कहाँ से आके, ये सफा कहानी है ना, हफ्सा है, हफ्सा 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 छोटी हफ्सा ये लाइव देखने आई होगी। चेक कर रहे हैं, पता नहीं व्यूअर्स में देख रहे नहीं है, नहीं आ जाएगी, चुप आ गई। या हेलो मैम। हाँ जी, ये आप जो कैंपेन बता रहे हैं किस मतलब उनकी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी ब्रांड है? मैम पैंटीन का ब्रांड है, ठीक है। ओके, पैंटीन। मैं RSPR एजेंसी से बात कर रहा हूँ, हम कराची में एक हेड ऑफिस है, लाहौर में हमारा एक ब्रांच है और इस्लामाबाद में एक ब्रांच। ओके। अच्छा, मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है, सही है, आपके पास पेन और पीस ऑफ पेपर होगा तो आप मुझे ये मेरी डिटेल्स लिखें। मेरा नाम, मेरा एजेंट कोड और मैं आपको नंबर और ईमेल दे रहा हूँ ताकि आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सके हमें। अच्छा, एक मैं आपको ये बजट जो आपने मुझे कोड करा है इसके हिसाब से मैं आपको कल तक बता दूँ, आप मुझे लाइन अप कर दें, मैं सोच के बता दूँ। अच्छा देखें, बात यह है कि हमें अभी जो है ना, देखें हमारे पास बहुत सारे टिकटॉकर इंस्टाग्रामर्स अलाइंड है और मेरे पास आपका रेफरेंस जो है किसी स्ट्रॉन्ग और बगैरत अच्छा ला रहे हो। अच्छा, ये किसने बताया? नहीं बेटा, पहले आप पोपट बन रही थी, पोपट साला, तुम्हें तो मैं एंटीलाइज शैम्पू बेचू, जुए हो गई तुम्हारे सर में, हर वक्त खुजाती रहती हो। बेटा एक सेकंड, मैंने आपको होल्ड ना करवाया था। नहीं, आपकी ना लालची दिख गई थी मुझे जब आपको मैंने 40,000 बोले, इतना पैसा कहाँ लेके जाएगी चुड़ैल? मैं आपको जो है ना 80 तक बोलती, 80 तक बोलती, अबे 80,000 रुपए का भी खुले में एक साथ देखे, मतलब आप अपनी बहन से ऐसे मजाक करेंगे? अच्छा, मतलब बहन जब नन्ही बन के अपने प्रैंक कॉल्स करे यूट्यूब पे, भाई को बदनाम कर दे वो ठीक है? चिचोरी, कौन सी माँ से बात कर रहे हो? और तुम्हें किसने बोला तुम लड़की हो, मेकअप बगैर मुनीब लगती हो तुम? अपनी बातें यहाँ मत करे प्लीज। चलो आप अपने फैंस को हेलो बोल दो। हाय गाइस। नहीं ऐसे क्या, अच्छी तरह बोलो ना, ये तो देते इसकी भी पेड प्रमोशन लोगी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, दिस इज नासिर खान जान। कह सकते हैं।
चलो आप सब अपना ख्याल रखो, यू आर हम तो चलो, हम तो चलो दीवाने सही, पर अपनी बताओ कौन हो तुम। पूरा नाम जल्दी बोल, जल्दी बोल, नाम बोल। हेलो भागे, हेलो, सलाम अलैकुम, फारूक भाई बात कर रहे हैं? फारूक भाई आप टिकटॉक बनाते हैं ना? फारूक भाई मैं आपकी टिकटॉक देखता हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ फारूक भाई। फारूक भाई मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी टिकटॉक रोज देखता हूँ, अहमद भाई के साथ होते हैं ना? फारूक भाई आप मुझे प्लीज, आप मेरे घर में मेरे छोटा भाई और छोटी सिस्टर है, उनको प्लीज आप एक मैसेज दे देंगे अपने लिए? सर प्लीज सर, मैं आपकी बहुत वीडियोस देखते हैं, सारी वीडियोस लाइक की हुई मैंने आपकी। थैंक यू सो मच सर, आपको तंग तो नहीं कराना सर? हम सर में हम लोग ना सर, आप जेन्युइनली हमारे लिए सर बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सर। मैं इतनी आपकी वीडियो, आप जो स्लोमो बनाते हैं इतने मजे के होते हैं वो सर, तो मैं आपको मेरी सिस्टर से मुझे इनको आप हेलो बोल देंगी, इसका नाम अशफा है। हेलो अशफा, हेलो अशफा, कैसी हैं आप? ठीक है, छोटी है सर वो, और ये छोटा भाई है मेरा, उसका नाम हैदर है, उसे हेलो बोल देंगे। हेलो हैदर, हेलो, एक मिनट आके बात करा देता हूँ। हेलो अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, मैं हैदर बात कर रहा हूँ। अंकल आपकी वीडियो इतनी अच्छी होती है, हम भाई हम लोग मिलकर देखते हैं, बताए बिल्कुल जी। आप कराची आएंगे तो हमसे मिलेंगे ना? जरूर इंशाल्लाह। और ना सर आप ना अपनी ऐसी वीडियोस बनाते जाकर, मैं इतना मजे से स्कूल में भी देखता हूँ बच्चा अंकल आपको। ये मेरे भाई से बात कर रहे हैं, भाई मुझसे बात करिए भैया। हेलो फारूक भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे फारूक भाई। मैं ना अहमद भाई का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो ऐसे लंबे से नहीं है, एहसन भाई जी, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप हमारे सलाम देंगे ना उनको? और आप कराची कब आएंगे? दो चार दिन में आएंगे आप? करो जी अंकल। और सर मैं ना आपको स्नैपचैट पर फॉलो करता हूँ, प्लीज मेरे साथ स्ट्रीक बना लें सर प्लीज। Sure. आप मेरा, मैं आपको मैसेज करूंगा अभी, ठीक है? अपनी पिक्चर होगी, मेरी सिस्टर भी होगी, छोटा मेरा छोटा भाई भी होगा। बोल जरूर, तो बोल अच्छा। और सर वो स्नैपचैट पे जब आप स्ट्रीक भेजो ना सर, तो वो खोलना जरूर, इग्नोर नहीं करना, और आप भी मुझे भेजा करना, ठीक है? और आप जो अब नेक्स्ट स्लोमो बनाएंगे ना सर, मैं आपको उसके आइडियाज भी भेजा करूंगा, ठीक है? बस आप ऐसा ना मुझसे परेशान हो जाए सर, देंगे ना वो फेमस होते हैं ना तो रिप्लाई नहीं करते हैं, और मैं आपका, मैं आप मेरे बहुत बहुत मायने रखते हैं सर, मैं आपको देख के वीडियोस बनाना शुरू करी हूँ। मेरे को, आपको पता है मेरे अभी ना 1.2K फैंस हुए हैं और 4000 हार्ट हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आपसे चाहता हूँ, मेरे नंबर सेव कर लेंगे सर? एक मिनट, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, ये क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा। इंग्लिश में बात कर, इंग्लिश में बात कर, इंग्लिश में बात। अच्छा सर, ये मेरे, अबे काट दिया उसने। हेलो, तो भाई वही कपड़े वही पोज के साथ मैं वापस आ गया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रैंक कॉल्स का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं हम आपके फेवरेट टिकटॉकर को कॉल करें, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए, इसी तरह एहसन को सपोर्ट कीजिए। एहसन के सोशल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन्हें फॉलो कीजिए, यहाँ पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आपको फ्यूचर पोस्ट की नोटिफिकेशन मिलते रहें। उम्मीद है आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। और आप क्या चाहते हैं मेरी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो किस चीज़ पर होनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करें, फिर इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे एट योर होम, अपना बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह इस बीमारी से जो वबा आई हुई है, अल्लाह इससे हम सबको बचाए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, लाली आउट, तू बोलिए, ओके दबाए। और जब आप